हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है अजोर, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट अजोर के बारे में सीख रहे हैं, उसकी तीसरी वीडियो में। आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आपको पिछली जो दो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, हमने अभी तक, अगर मैं रिकैप करूँ, रिसोर्स ग्रुप, वीनेट के अंदर सबनेटिंग, नेटवर्किंग, प्लस वीनेट के साथ हमने देखा था कि उसकी दो वीनेट आपस में कैसे बात करेंगे, वीनेट पेयरिंग के थ्रू। उस वे के अंदर हम अपना रिसोर्स है कैसे लॉन्च करेंगे थ्रू, अगर हम बात करना चाहें सीधा वर्चुअल मशीन के थ्रू, वर्चुअल मशीन नाम की सर्विस हमने देखी थी। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन में हमने पब्लिक आईपी अलग से बनाई थी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलग से बनाया था और उनको एसोसिएट किया था, और हमारा एक वीएम बना था। ठीक है, अब उससे हम हटके वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे पहले क्यों जाएंगे, ऐसी हमें क्या रिक्वायरमेंट आ गई, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, ये मान लो आपका वीएम है, वीएम 1 हम इसको नाम देते हैं, और इसको जो दूसरा है हमने मैन्युअली लॉन्च किया दूसरे जोन में, थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए, आइल वेलो बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो अभी मैंने लोड से पढ़ाया नहीं है, लेकिन जस्ट आप ऐसा देखें इसको कि जो LV है वो जो हमारा ट्रैफिक रहता है, जो भी हमारे पास इन होता है उसको वो आगे बांट देता है। लोड बैलेंसिंग सिंपल है, कुछ भी जो आपके पास आ रहा है उसको आप आगे बांट दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हमने अटैच किया वहाँ पे और ये अटैच किया, हमने अलग अलग अटैच किया, इन केस हमारे पास लोड आता है, ये दोनों 99% की यूटिलाइज चली जाती है, तो हम एक नया वीएम लॉन्च करेंगे। ठीक है, और फिर से इसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे रिक्वेस्ट जाए। अब ट्रैफिक अब कर लिया आपने, मान लो यहाँ पे कर लिया, रात के टाइम पे ट्रैफिक कम हो गया। ठीक है, अब इसको हटाना भी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे मेंशन भी करना होगा कि ये वाला भाई पाथ चला गया, वैसे ये इतना अगर यहाँ से हट जाए तो मतलब वहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ पे ट्रैफिक रूट नहीं करेगा, लेकिन बाउंड अनबाउंड आपको मैनुअली इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास जो सर्विस आती है जिसको वर्चुअल मशीन स्केल सेट कहते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारे वीएम है वो एक लेवल के अंदर बनते हैं। ठीक है, वीएमएसएस, इस लेवल आपका जो LB है वो वीएमएसएस पे ट्रैफिक हिट करेगा। ठीक है, और आप ऐसा करें, एक छतरी है, उस छतरी के नीचे ये है। ठीक है, और सॉरी, जो नेक्स्ट वाला है PM, PM3, वो इसी ग्रुप के नाम, मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको साझा करेंगे, जैसे हमारी API होती है वो एक कॉमन पोर्ट होता है, तो ये इनके लिए कॉमन टैग रहेगा, ये इस कॉमन टैग के अंदर रहेंगे, और इसके अंदर जितने भी VM बनेंगे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रही वो इस VMSS टैग के अंदर बनेंगे, और ये VMSS का टैग है ये इसके साथ बाउंड है, तो आपका LB का ट्रैफिक VMSS पे हिट होगा और आपका जो ट्रैफिक है वो VMSS के अलग अलग इंस्टांस पे वो घटते रहे बढ़ते रहे, ऑटोमेटिक रजिस्टर होता रहेगा, मैनुअल एंट्री यहाँ पे खत्म होगी। हम तो एक तो आपको एक रिक्वायरमेंट तो आपको समझ आती होगी, इसलिए हमें VMSS चाहिए। दूसरा,
ये था कि हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता था कि भाई तू इस वाले जोन में जा, इस वाले जोन में जा, और तू इस वाले जोन में जा। ये हम मैनुअली वहां पे कल डाल रहे थे, ठीक है। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बजाय हमने वीएमएसएस पे डाल दिया। अब ये वीएमएसएस की जिम्मेदारी है कि वो इसको यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, हाईली अवेयर वो बना के देगा आपको, ठीक है। मान लो जैसे इसने फर्स्ट स्टार, सेकंड, फिर थर्ड, यहां पे फोर्थ, ये फिर से यहां पे बनाएगा, और फिफ्थ यहां पे। ऐसे हर रीजन में लगभग 3 जोन तो होते ही हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तरफ, ठीक है। आई होप रिक्वायरमेंट क्यों है वो समझ आ रही होगी, तभी हम उस सर्विस को करने का फायदा है, ठीक है। जो पिछली जो वीडियोस रही थी उसमें हमने सारे जो स्टेप्स थे, मतलब जितने रिसोर्स हमने क्रिएट किए थे वो टेराफॉर्म के साथ क्रिएट किए थे, ठीक है। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो ट्राई करते हैं कि इसको अगर जल्दी से हो जाए तो गुड है, देन वी विल सी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। या टेराफॉर्म वाला पार्ट ड्रॉप करके उसको अलग से उसकी सीरीज लाएं, तो देखते हैं, ठीक है। इसमें रिसोर्स ग्रुप है, हमने कल बनाया था डेमो आरजी के नाम से, ठीक है। उसको हमने सेलेक्ट किया, ये उसकी लोकेशन आ गई, ठीक है। अब वीएमसेस की बात कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें वीएमसेस का नाम क्या रखें, डेमो VMSS1, आप जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रखें, ठीक है। उसके अंदर रीजन है, कतर के अंदर बनाने, कतर के अंदर बनाने, ब्राजील, साउथ के अंदर भी हम बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे था, लेकिन जो हमारे वीनेट है वो वहाँ पे बने हुए हैं, तो अभी हमें वहीं पे काम कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन, अभी तो यहाँ पे अभी खुद से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक है, आप ऑप्शन लिए, आप खुद से भी करना चाहिए तो कर सकते हैं कि 1 और 2 में ही बने, वो खुद मैनेज कर लेगा, ठीक है। उसको करेक्शन मॉडल है इसमें, इसको यूनिफॉर्म ही रहने देते हैं। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड ही इसको भी चलते हैं रख के। और यहाँ पे आप अपने सर्वर, आपने कौन सा लेना है, फ्लेवर ओएस का, अभी उबंटू के साथ ही हम कैरी करते हैं। ये कह रहा कि भाई 4 कोर सीपीयू नीडेड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, हमने अपने जो सीपीयू वो कम कर दिया, एसएसएच बेस्ड करना है, पासवर्ड बेस्ड ही कर लेते हैं, है ना। नाम रख लेते हैं इसका उबंटू। जब हम इसमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे देन वी विल डू एसएसएच बेस्ड वाला, फिलहाल के लिए इसमें हम पासवर्ड बेस ही रखते हैं, TEST@#, सॉरी सेम द्वारा टाइप करेंगे, @3। ये फर्स्ट फीड जो बेसिक है ये डन है। ओएस डिस्क है, इसमें अलग अलग साइजेस हैं, बढ़ाना हो आपने, है ना, प्रीमियम रखना है, लोकल रखना है, कौन सा आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्किंग पे। कल हमने जैसे 2 नेटवर्क बनाए थे, नया भी बना सकते हैं हम, कल वाला ही लेके चलते हैं। उसके अंदर ये उसके सबनेट 2 में अपना NIC बना रहा है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड LB हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी इसको नेक्स्ट चलते हैं स्केलिंग पे, ठीक है। इनिशियल इंस्टांस काउंट ओके 2 रख लेते हैं। स्केल विद VM एंड सपोर्ट VMs, सपोर्ट VM वाला
नेक्स्ट देखेंगे। स्केलिंग पॉलिसी, ऑटो स्केल लगा देते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स मान लो 5, और सीपीयू थ्रेशोल्ड इतना। स्केल आउट कितने पे करें, जब आपका सीपीयू 75% पे चला जाए तो वो स्केल आउट। और स्केलिंग जैसे वो 25 पे है, मैं कहता हूँ 25-40 पे वापस आ जाए, लोड है तो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए। एक एक करके डाउन हो भाई, ठीक है ओके। ये मैनेजमेंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। ऑप्शनल है इसमें सेटिंग्स, आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ गो कर सकते हैं। हेल्थ का ऑप्शन भी, एलोकेशन पॉलिसी है, टैक्स ऑप्शनल है। चेक करते हैं जो हमने जो सेटिंग्स डिफाइन करी हैं वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है ये वैलिड है, तो एक बार इसको क्रिएट कर लेते हैं। इट विल टेक सम टाइम, जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है हमारा रिसोर्स। हम ऐसा करते हैं कि जो टेराफॉर्म कोड है वो देख लेते हैं, जो वर्चुअल लिनक्स मशीन। विंडोज पे ज़्यादा काम नहीं रहता मेरा, बहुत स्केल सेट टेराफॉर्म, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, क्या कह रहा है। टेराफॉर्म का कोड ढूंढना बहुत आसान है और उसमें चेंजेस इजी हैं, वो आप इजीली कर पाएंगे। एक मिनट, वर्चुअल मशीन स्केल सेट का ये कोड है, देन ओएस टेप नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। जब तक वो बन रहा है तब तक हम अपना जो टेराफॉर्म कोड है उसको सेट कर लेते हैं। एक बार इसको हम सारा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। देन हम नीचे आएंगे, इसमें जैसे वर्चुअल मशीन हमारा बन रही थी और उसका नेटवर्क इंटरफेस बन रहा था, हमारे कोड में एक्स्ट्रा कोड है, पब्लिक आईपी हमें अभी नहीं चाहिए, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वो फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। इट विल कमेंट करने से होगा क्या, वीएस कोड में जहाँ कहीं भी आप कमेंट करें आपका जो पर्टिकुलर कोड है वो रन नहीं करेगा, है ना। नेटवर्क इंटरफेस और इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है, इनको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमें चीज़ें चाहिए होंगी हम उनको यूज़ कर लेंगे, अननेसेसरी ये रिसोर्स कंज्यूम कर रही है। जैसे उसमें एक पर्टिकुलर, जब आप अजोर की बात करें, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं मिलते हैं आपको, 14,000 मिलेंगे, 13,000, उसमें आपको सारी चीज़ें डिप्लॉय करनी है। तो उसमें से मैं काफ़ी यूज चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ ओके। जब तक वो रिसोर्स यहाँ से डिलीट हो रहे हैं और वहाँ पे बन रहे हैं तब तक हम इसको सेट कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि रिसोर्स कौन सा है, लिनक्स मशीन सेल का, ठीक है। एग्जाम्पल उसका नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम दे रहे हैं। देन रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है वो आपको याद होगा, डेमो के नाम से मैंने उसको रेफरेंस दिया हुआ है। लोकेशन भी हम कतर में ही बना लेते हैं। स्टैंडर्ड F2 तो नहीं बन पाएगा भाई, स्टैंडर्ड B1S, और हेडवन यूजर ठीक है। ये वाला एडमिन यूजर लोकल डॉट फर्स्ट की, लोकल तो कहीं हमने बनाया नहीं है, तो इसकी जगह हम जो ये फाइल मॉड्यूल है इसको यूज करते हैं पब्लिक की के लिए। नहीं, इसका अभी तो कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, ठीक है। 16.4 पे बन रहा है ये भी, ठीक है।
रीड राइट एलआरएस कर रहा है, ओके, सेविंग, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट देना है इसको, ठीक है। सबमिट हमने ऑलरेडी कल वोट दिया था। नेटवर्क इंटरफेस आईडी, अच्छा सबनेट नहीं दिया होगा यहाँ पे, हमने नेटवर्क इंटरफेस अटैच किया तो नेटवर्क इंटरफेस में हमने सबनेट अटैच किया होगा। सबनेट आईडी ये रही, लोकल बेटा, मैंने लोकल वाला कोड तो नहीं, कहाँ लोकल अकाउंट प्रिंट आउट नहीं किया है। सही, ठीक है। हमने जैसे बीच में कोड को किया था कमेंट, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे हमारा रिसोर्स बन जाना चाहिए, ठीक है, रिसोर्स हमारा बन के तैयार है। पहले इसको देख लेते हैं। ये उसका नाम है, इस वाले आरजी में बना है, टू ऑफ टू हमारे सक्सीडेड है, लोकेशन वो सब चीज़ें एग्जांपल है ना। और नीचे इसकी पब्लिक आईपी नहीं दी है हमने, ना तो ना IP4 की ना ऐसे, ये हमारे दोनों इंस्टांसेस रहे, ठीक है। इंस्टांसेस पे जाते हैं और नेटवर्क दिखा देता हूँ आपको। जो ये बाय डिफॉल्ट रूल हमने जब बनाया है इसको, NSG एक ले लेता है और उसमें बाय डिफॉल्ट रूल NA का और आउटपुट और इनबाउंड दोनों में ये लेके चलता है, ठीक है। इंस्टांसेस पे जाएं हम, ये हमारा ऐसे खोल, यहीं से खोल लेते हैं। एक इंस्टांस होगा, उसकी कोई प्राइवेट आईपी होगी, ठीक है। फ्री फ्री टायर में एक प्रॉब्लम है कि आईपी आपको सिर्फ तीन ही मिलेंगी पब्लिक आईपी, तो आपको रिसोर्सेज देखने होंगे। रिसोर्सेज एक तो पैसे की वजह से भी लिमिटेड है, और दूसरा उसका यूसेज करने, आप सिर्फ एक रीजन में सिर्फ आपको तीन आईपी ही मिलेंगी। तो आपने तीन इंस्टांस बना लिए या एक एलवी बना लिया साथ में, कुछ ऐसा रिसोर्सेज बना लिए जो तीन आईपी कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद आपके रिसोर्स नहीं बनेंगे। फिर उसका आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। ये और जो रूल आपको बाहर शो कर रहे थे, अंदर भी शो करेंगे। इसको कनेक्ट कैसे करना है, जो अलग अलग इंस्टांस है, जैसे ये वाला इंस्टांस अलग था, ये इसको आप अलग से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने को, ठीक है। मेन था कि हमने जो इंस्टांस लॉन्च करें और वो BMSS के थ्रू करें, और वो उसकी अवेलेबिलिटी कितने हमें रखने हैं, वो कितने हमें नहीं रखने, वो खुद ही मैनेज करेगा। इसमें अगर इसमें जाएं आप, यहाँ पे आपको स्केलिंग का है ऑप्शन, आप खुद से जैसे बढ़ाना चाहते हैं, अलग इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। अभी हमने ऑटोमेशन में रखा था, इंस्टांस काउंट तीन है, इसमें यहाँ पे भी शो नहीं हो पाएगा वो, और ऐसा कट रहा है तो दो है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी यूज केस विद LB और सर्विस कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी अब हमने इसका जो क्रिएशन किया है, और मतलब इसका जो बेसिक फंड है वो आपको मैं समझाने में आई होप कामयाब रहा हूँ। इसको हम क्या करते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये वहाँ से बनाना है तो रिसोर्सेस लिमिटेड है। आईपी की लिमिटेशन मैंने आपको बताई, तीन आईपी से आप ज़्यादा नहीं बना सकते। उसी तरह से आपके इंस्टांस पे लिमिट है कि आप सिर्फ चार कोर CPU ले सकते हैं, तो दो तो इसने ले लिए, तो दिक्कत हो जाएगी अगर वहां से बनाने लगे तो, ठीक है। तो जब तक ये डिलीट हो रहा है तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो पुराना कोड था उन्हें कमेंट आउट कर दिया था, और नया वाला कोड यहाँ पे डाल दिया है। इसको फिर से चेक कर ले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप टेराफॉर्म वैलिडेट करें, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान चेक करें, ये कोड करेगा क्या। इस कोड में
बेसिक कोड है लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए सही है। इसमें धीरे धीरे आप चेंजेस कर सकते हैं, इसके जो एडवांस ऑप्शन है उनको आप जा सकते हैं। ठीक है, स्केल सेट क्या कह रहा है, इसका नाम ये रहेगा, इसका रिसोर्स ग्रुप ये है, लोकेशन इसके अंदर बनाना तुम। ठीक है, उस लोकेशन लेने के लिए हमने रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन को कॉल कर लिया। एस के यू, उसकी क्या रैम रहेगी, क्या सीपीयू रहेगा उसके लिए, ये स्टैंडर्ड B1S B2S जो भी हमने वहाँ पे भी चेंज किया था आपको याद हो, इस तरह से अलग अलग बनाए हुए हैं, इन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले के अंदर आपको एक कोर का सीपीयू मिलेगा, इंस्टांस कितने बनाने हैं, एक बनाना है, उसका यूजर नेम क्या रखना है ना, और SSH की से इसको कन्फिगर करना है, कौन सी की से लॉगिन होना चाहिए, ये मेरे रूट की है उसकी पब्लिक की से, तो कर देते हैं। ठीक है, अब इंस्टांस बना रहे हैं, कौन से OS पे बनाना है, वो सब चीज़ें, 16 वाला 16 का जो हमारा उबंटू है उस पे बना दे, है ना, ये आप पहचान रहे होंगे कैनोनिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उबंटू को बैक करती है, या मेन जो जिन्होंने उबंटू को डेवलप किया है वो है। OS डिस्क पे क्या आप चाहते हैं, कैसी डिस्क है, वो स्टैंडर्ड LRS है, रीड राइट का परमिशन आपने दे दी है, नेटवर्क इंटरफेस है, नाम उसका एग्जाम्पल दे दिया आपने, ठीक है, IP कन्फिगेशन है इंटरनल रखी है आपने, है ना, और प्राइमरी आपने 2 कर दिया, और साथ में सबनेट आईडी दे दी कि भाई तू इस सबनेट में जाके बना ले, और अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं बाकी कहानी के ऊपर प्लान में क्या क्या आया था। ठीक है, जब तक ये चल रहा है तब तक मैं दिखाऊंगा आपको, एक तो पेयरिंग बना रहा था, डेमो वन नेटवर्क बना रहा था, OS डिस्क नेटवर्क इंटरफेस, वर्चुअल मशीन भी क्रिएट। ठीक है, सही है, तो पोर्टल पे चलते हैं। ठीक है, ये भी ट्रीट हो चुका है यहाँ से, तो जैसे इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, ये देखो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर, क्योंकि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया था, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद नेटवर्क रूट डेमो क्रिएट कर रहा है, और पेयरिंग बना रहा है उनमें। ठीक है, पेयरिंग का कोड भी हम कर सकते थे, अभी चलने देते हैं, तब तक मैं आपको यहाँ पर अगर मेन साइट पे जाएँ तो जैसे इसमें ये वाला जो कोड है बिल्कुल बेसिक्स है, जो कई चीज़ें अपने साथ मतलब सिर्फ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लेके चल रहा है, ऑप्शनल चीज़ें बहुत कम लेके चल रहा है, ये वाला जैसे नेम है, क्या देना है, कहाँ लोकेशन रिसोर्स, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, साथ में दे रहा है इंस्टांसिस हैं, मल्टीपल ऑप्शन जो हम इसके अंदर देते हैं वो आपको यहाँ से मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस ब्लॉक ये चाहिए चाहिए, OS डिस्क चाहिए चाहिए, भाई इंस्टांस बनाओगे उसको डिस्क देनी ही पड़ेगी, उसके बिना इंस्टांस बना के करोगे क्या, एडिशनल कैपेबिलिटीज ऑप्शन है, एडमिन पासवर्ड, मतलब आपको जो आपका यूज केस बन रहा है जब आप इस रिसोर्स को लॉन्च करने जाएंगे, तो आपका यूज केस जो बनेगा मतलब कई ब्लॉग हैं जहाँ पे आपको बना बनाया और कोड मिलेगा और ऑप्शन साथ में मिलेंगे, लेकिन आप इसके ऑफिशियल में ही नीचे जाएं और जो आपका जो कोड है, जो आपका जो कोड मैं नहीं कहूँगा फंक्शन जो आपको चाहिए वो आपको लगभग यहाँ से मिल जाएगा, सब कुछ लगभग, स्केल इन स्केल आउट, अलग अलग पॉलिसी हैं। अभी जैसे ये वाला कोड था, इस पर सिर्फ VMSS बन रहा है, ना तो उस पर पब्लिक IP लग रही है, ना उस पर ऑटो स्केलिंग लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ, बनने देते हैं, चलो बन ही गया है, 6 रिसोर्सेज कह रहे हैं कि ऐड कर दिए इन्होंने, बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारे पास बन के रेडी है, इंस्टांसिस नेटवर्किंग, एक इंस्टांस वहां पे बनाने को बोला था हमने और उसने एक बना दिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैनुअल पे अभी है, यहाँ पे इंस्टांस काउंट लिखा हुआ है 1, इसको जैसे हम यहाँ से खुद भी बढ़ा सकते हैं, 2, सॉरी आपको वहां से दिख नहीं रहा होगा, तो जैसे मैं आप चीजों मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं, तब तक इसको नेटवर्किंग दिखती है, यहाँ पे नेटवर्किंग आपको खाली दिख रही है, जबकि हमने खुद जब बनाया था तब इसके साथ डिफॉल्ट चीज़ें मिल गई थी, वो डिफॉल्ट चीज़ें हमने कोड में नहीं कॉल करी हैं, तो
वो हमें नहीं मिली है, ठीक है। और लोडेंस वाला तो अभी खाली ही है, ठीक है। अगर ये एक बार इसको वेट करते हैं स्केल होने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे वाला बनना स्टार्ट हो गया है। सक्सीड में नहीं आया अभी, बट मैंने यहाँ पे एक गलती करी है कि मैंने बाकी कोड तो वहाँ से बनाया है, लेकिन यहाँ से मैंने उसको चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप कोड जो इंफ्रा आप क्रिएट किया है आपने टेराफॉर्म से, उस पर आप मैनुअली चेंजेस करें जाके। इट्स बेटर आप वहीं से चेंजेस करें, ठीक है। इसको मैं अगर डिस्ट्रॉय करना चाहूँ तो इट मे कॉज प्रॉब्लम, क्योंकि हमने वो मैनुअली एंटर किया है, और मे नॉट कॉज प्रॉब्लम, दो इसके रहेंगे पहलू। ओके, जब तक ये डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एक चीज़ मैं आपको इसकी एक फाइल और बना लेते हैं, आउटपुट इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट फाइल है ये भी, वेयर फाइल का डिस्कस करने का देखते हैं नेक्स्ट वाले में, क्योंकि इस मैं चाह रहा था कि आधे घंटे में ही ख़त्म हो, तो 4 मिनट पड़े हैं। जैसे ये है रिसोर्स ग्रुप है, इसको हम आउटपुट कराते हैं, आउटपुट आरजी, ठीक है। आरजी के नाम से अपने कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऑप्शन हटाता हूँ मैं फिलहाल के लिए। इस पे क्या रहेगा, इसको में हम वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे ताकि हम कहीं उसको और यूज़ कर पाएँ, वो मैं आपको ऐड देता हूँ। ये रहेगा आपका रिसोर्स का नाम, डॉट आपका जो लोकल का नाम, ठीक है। उसके बाद डॉट आपने कॉल क्या कराना है, मोस्ट केसेस में रिसोर्स को नेम चाहिए होता है, तो आपको टीएफ स्टेट में जाके थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर तो मैं देखूं सोर्स बचा नहीं होगा, अगर उस डिलीशन नीचे चल रहा है, तो उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपका नेम आ रहा होगा, उसको हम कॉल कराएंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लिखेंगे, एग्जांपल के लिए अगर मैं एक और यहां पे बनाऊं, ये हमारा जो वीनेट बन रहा था, इसको हमने डॉट डेमो डॉट, इसका अगर मुझे नेम प्रिंट कराना है तो हम इस तरीके से वैल्यू स्टोर करानी है। इट्स नॉट प्रिंट, इट्स अबाउट स्टोर, ठीक है। सेम आउटपुट यहाँ पे वीनेट की मैं आईडी भी करा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे नाम दूंगा इसका मैं वीनेट नेम, और यहाँ पे नाम दूंगा उसको मैं वीनेट आईडी। इसका अगर आप द्वारा इसको अगर अप्लाई करते हैं तो यू विल सी चेंज इन आउटपुट। एक बार इसको अप्लाई करने तो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। ओके, रिज्यूमिंग वीडियो, यहाँ पे देखिए हमने क्या मांगा था इससे, आरजी का नाम, वीनेट की आईडी और वीनेट का नाम, ठीक है। वो ऑर्डर से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ये आउटपुट में स्टोर कराई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे यूज करने के लिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके वेरिएबल बनाना, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
जब हम लोड बैलेंसर को इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई फीडबैक है कंसेप्ट वाइज या टेराफॉर्म वाइज, कुछ भी इसमें आपको दिक्कत लग रही है कि जिसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद होऊंगा, थैंकफुल रहूंगा आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए, कि आपका अगर ऐसा कोई मुझे फीडबैक मिलता है जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और बाकियों को उससे हेल्प हो। तो थैंक यू, वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप आ सकते हैं। थैंक यू।